हेलो एवरीवन, आज हम खसखस के साथ बंगाली स्टाइल में टेंगरा मछली की एक रेसिपी शेयर करने वाले हैं। वैसे तो ये जो मछली है इसे आप किसी के भी साथ बनाइए, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। लेकिन अगर आप इसे खसखस या तो सरसों के साथ बनाएं तब तो इसका क्या कहना। ये जो रेसिपी है ये मेरी मम्मी ने बनाया है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए इसका वीडियो शूट कर लिया है। तो हमने यहाँ पे मछली को काट के धो के हल्दी और नमक लगा के रख दिया था। अभी हम इसे तेल में फ्राई कर लेंगे। हमें हमेशा मछली को फ्राई करते समय तेल को बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। तब क्या होता है, ये जो मछली है ये टूटती नहीं है और कढ़ाई में चिपकती नहीं है। तो हम इसे खसखस के साथ बनाएंगे, यानी पॉपी सीड के साथ बनाएंगे। तो इसे हमें ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, हम इसे हल्का ही फ्राई करेंगे। तो हमने मछली को फ्राई कर लिया है। अभी ये जो आप देख रहे हैं ये खसखस है। अगर आपके पास खसखस ना हो तो आप इसे सरसों से भी बना सकते हैं। तो खसखस जो है ये मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं हो पाती है, इसीलिए मैंने इसे सिलपट्टे में ही पीस लिया है। इसी के साथ मसालों में मैंने यहाँ पे लहसुन, हरी मिर्च, प्याज और दो टमाटर को कट करके ले लिया है। अभी हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो मछली के फ्राई करने के बाद जो तेल बच गया था इसी में हमने इस पेस्ट को ऐड कर दिया है। तो ये जो पेस्ट है इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना है। अभी हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे, इसके बाद अपने स्वाद अनुसार नमक का भी ऐड कर लेंगे। वीडियो के बीच में ही मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल में इसी तरह के यूज़फुल कॉन्टेंट लाते रहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने मसालों को कम से कम 5 मिनट के लिए भून लिया है। अभी जो ये मसाला है ये अपना ऑयल छोड़ने लगी है। तो अभी जो है खसखस हमने पेस्ट करके रखा था इसे भी हम ऐड कर देंगे। खसखस को ऐड करने के बाद हमें मसालों को ज़्यादा नहीं भूनना है, हमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट के लिए ही भूनना है। तो हमने मछली को तो पहले से ही फ्राई करके रखा था, अभी जो हमारे मसाले हैं वो भी हो गए हैं। अभी हम इसमें थोड़े से पानी को ऐड कर देंगे। पानी जब उबलने लगे तब हम इसमें मछली को ऐड कर देंगे, और मछली को ऐड करने के बाद हम इसे एक अच्छी उबाल आने तक उबाल लेंगे। ये जो रेसिपी है ये बहुत इजी है, लेकिन बहुत टेस्टी भी है। तो अभी जो है ये इसका जो ग्रेवी है ये काफ़ी थिक हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इसमें आप धनिया के पत्ते वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपका फेवरेट मछली कौन सा है ये भी हमें बताइएगा।